हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 11 कॉमर्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, पूरी सीरीज तैयार कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। जैसे कि आपको भी पता है, आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से प्रिपरेशन की आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। आज बैक टू बैक वीडियोज आएंगे इसके, ठीक है। आपको सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, फिर साथ के साथ आपको आंसर की एक वीडियो भी मिल जाएगी, उसी के लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको बैक टू बैक एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियोस मिल सकें और क्वेश्चन भी मिल। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। क्या होना चाहिए, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की जो आर्ट होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग, ए ऑप्शन, बी बुक कीपिंग, सी लेजर, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी बुक कीपिंग क्या होता है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टिक कर लें आप। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जनरलाइजिंग, नॉन ऑफ दीज। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग। हाँ दोस्तों, क्या होता है अकाउंटिंग, क्या होता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैश गुड्स और असेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल। हाँ दोस्तों, क्या होता है कैपिटल, ना तो प्रॉफिट होता है ना तो वो फिक्स्ड असेट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पर्सन फर्म और इंस्टीट्यूशन वो डज नॉट पे द प्राइस इन अ कैश फॉर द गुड्स परचेज और सर्विस रिसीव्ड इज कॉल्ड डेटर। हाँ दोस्तों, वो पर्सन क्या होता है हमारा, डेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक कीपिंग इज द आर्ट अ साइंस अन आर्ट एंड साइंस बोध। हाँ दोस्तों, क्या होता है, अन आर्ट और साइंस बोध होता है बुक कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म असेट विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट प्रोसेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट या करंट असेट या इन्वेस्टमेंट। तो इंटेंजिबल असेट होगा, क्योंकि वो ही होती है जिसका, वो असेट होती है जो कि क्या होती है, एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो होती है हमारी इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं, सातवां क्वेश्चन, द असेट दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड करंट असेट। हाँ क्या होती है दोस्तों, करंट असेट होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में होती है हमारी, शॉर्ट टर्म में हमें यानी क्या करना होता है उसको, एक साल के अंदर कैश के टर्म में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, करंट असेट। नेक्स्ट में मूव कर लेते हैं, कॉपी राइट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आर एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट, फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। क्या होना चाहिए, इंटेंजिबल असेट। क्या होगा दोस्तों, इंटेंजिबल के असेट के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट में मूव करते हैं, विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फिक्स्ड असेट आर बोथ टू बी यूज इन अ बिजनेस आर एक्सपेंसिव आइटम बोथ फॉर द बिजनेस आर द आइटम विच विल नॉट वियर नॉट आउट क्विकली आर द लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या होता है, रीसेल के पर्पज के लिए नहीं यूज़ होता और लॉन्ग टर्म में इसमें क्या करते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं। द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड आर रिफर टू एज अ करंट लाइबिलिटी। हाँ दोस्तों, करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें, अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात करा होता तो लॉन्ग यानी क्या हो जाती है आपकी, नॉन करंट असेट होती, नॉन करंट लाइबिलिटी होती, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड माइनस कर दोगे, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर हो जाएगा फॉर्मूले का बी। विच अकाउंटिंग मैथड इज फॉलोड बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन सा फॉलो करता है अकाउंटिंग मैथड, अगर अपनी बुक देखी होगी तो उसमें बाहरी लिखा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है आपका अकाउंटिंग पूरा, ठीक है, तो बारहवीं का आंसर हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू बी रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटरप्रिटेड फाइनेंशियल डाटा एसेस द मैनेजमेंट। तो इसमें आ जाएगा रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ही मेन फीचर होता है, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिक मैनर में इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जर्नल के अंदर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सा इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सेल्स ऑफ गुड, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, परचेज ऑफ गुड्स, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका पे क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्वालिटी ऑफ स्टाफ क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप जो क्वालिटी ऑफ स्टाफ है उसको मनी की टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। एक प्रिंसिपल होता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें सिर्फ मनी की टर्म वाली चीज़ें ही रिकॉर्ड करनी होती है, यानी क्वालिटी ऑफ स्टाफ मनी की टर्म में नहीं, इसलिए हम क्या कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, कौन सी फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं, परचेज कर रहे हैं ये भी फाइनेंशियल परचेज कर रहे हैं, इसमें भी विड्रॉ कर रहे हैं ये भी मनी में, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, ये दोस्तों साफ पता चल रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द थिंग्स विच इज परचेज एंड सोल्ड इन अ बिजनेस इज कॉल्ड मशीन, फर्नीचर, गुड्स और डेटर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुड्स हो जाएगा, क्योंकि गुड्स को ही आप क्या करते हो, सेल और परचेज करते हो बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट, द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड बैड डेट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, लाइबिलिटी। हाँ दोस्तों, क्या होगा, जो साल के एंड में बचता है उसी को कहते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स जो बच गया उसी कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, कौन से एक्सटर्नल यूजर हैं ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर, गवर्नमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सारे ही क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इट इज़ अ अनलिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हाँ दोस्तों, हमेशा क्या करता है, अकाउंटिंग पूरा अप्रोप्रिएट डाटा नहीं शो करता, इसलिए वो क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है किसकी, अकाउंटिंग की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ओन मनी टू द फर्म इज कॉल्ड डेटर, क्रेडिटर, सप्लायर, नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, डेटर हो जाएगा। जो दिए थे दोस्तों हमारे 20 MCQ ऑफ चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे चैप्टर सेकंड यानी बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट्स में, हम देखेंगे 20 क्वेश्चन ऑफ बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट्स यानी चैप्टर सेकंड के लिए। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, और साथ के साथ दोस्तों अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो इसको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, पूरी प्लेलिस्ट आपको रेडी कर गई है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगे शेड्यूल में, ताकि आपको अच्छे से आप पढ़ सकें, स्टडी कर सकें। अगर चैनल अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।